ठीक है, तो यहाँ पर अब हम ऑल्ट और शिफ्ट दबाया मैंने, एंड देन मैं अपना कर्सर जो है वो नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, तो हमारा ये एक बारी में चारों सेलेक्ट हो गए। तो मैंने सिंपली इनको सबको डिलीट कर दिया। तो फॉर एग्जांपल हम पहले ऑप्शन प्लस रखते हैं, माइनस और डिवाइड एंड देन मल्टीप्लाई, सेव कर दिया मैंने इसको। अब हम यूआई में अपना देखते हैं कि हमारा ड्रॉप डाउन बना कि नहीं। हमारा ड्रॉप डाउन अभी नहीं बना क्योंकि हमने जो इसकी सीएसएस थी वो नहीं अप्लाई करी है। तो यहाँ पर इसकी सीएसएस भी दे रखी है, तो हम यहाँ से इसकी सीएसएस ले लेते हैं। सो इसकी सीएसएस हम लास्ट में पेस्ट कर देते हैं एंड देन सेव। यहाँ मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर अब हमारा छोटा सा ड्रॉप डाउन आ गया है जिसमें प्लस दिख रहा है, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो अभी रिजल्ट इज नहीं चाहिए हमें, तो यहाँ से मैं रिजल्ट इज को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, एंड ड्रॉप डाउन को अब हम इसको थोड़ा स्टाइल करते हैं अपने अकॉर्डिंग। हमारा यहाँ से ड्रॉप डाउन तो बन गया है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ से देखते हैं जो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ लगी हुई हैं, तो बेसिकली हमें ये प्रॉपर्टीज़ लेनी है। तो जो हमारा ड्रॉप डाउन है हम इस पर इंस्पेक्ट करके देखते हैं। हम यहाँ पर पहले टेस्ट भी कर सकते हैं कि कैसा दिखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ड्रॉप डाउन है, तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये इस टाइप से कुछ दिख रहा है अभी। ठीक है, तो अभी इसका कलर यहाँ अंदर वाइट है, तो मैं यहाँ पर कलर वाइट कर देता हूँ, तो वाइट कलर हो गया इसके अंदर। अब इसकी कुछ विड्थ और हाइट सेट करनी पड़ेगी हमें। अगर मैं यहीं से लूँ इसकी विड्थ और हाइट और हम यहाँ अप्लाई कर दें, तो ये कुछ इस टाइप से अभी हमारा बन गया है। ठीक है, इसको अभी हम सही करते हैं, बट फर्स्ट हमें देखना होगा कि ये ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डिव है, इनपुट 1 2, एंड देन यहाँ हमारा स्पैन है। स्पैन टैग हमने हमने इसमें अपना एलिमेंट दिया हुआ है। सो अभी हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना ट्राई करते हैं जिसमें ठीक है, पहले इतना हम कॉपी कर लेते हैं। जो हमारा ड्रॉप डाउन वाली क्लास है उसमें अप्लाई करा है मैंने ये स्टाइल यहाँ पर ब्राउज़र में डायरेक्टली। तो यहाँ मैं ड्रॉप डाउन वाली जो क्लास है अगर उसमें डाल देता हूँ, तो ये पूरा रिफ्रेश किया तो ये सारा स्टाइल यहाँ पर इस पर अप्लाई हो गया। नेक्स्ट अब हमें इसको थोड़ा स्टाइल करना है, तो इसको तो पहले हमें जो प्लस साइन इसको थोड़ा बड़ा करना है, तो इसके लिए मैं सिंपली फॉन्ट साइज़ यूज़ कर रहा हूँ, फॉन्ट साइज़ जैसे 40 पिक्सल्स। तो ये देखो बड़ा होता जा रहा है, तो जैसे जैसे मैं बड़ा कर रहा हूँ वो अपने पोजीशन में भी आता जा रहा है। ठीक है, तो ये मैं 55 पिक्सल्स अप्रॉक्स रख रहा हूँ, एंड देन हमें इसको सेंटर में लाना है। सेंटर में लाने के लिए हम फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी होती है सीएसएस की, उसको यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमें सिंपली जो जिसको भी हमें सेंटर करना होता है उसके पेरेंट डिव पर हमें डिस्प्ले फ्लेक्स लिखना होता है। सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स एंड देन अलाइन आइटम्स सेंटर एंड देन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो हमारा एकदम प्लस सिंबल जो है वो बीच में आ गया है, और ये सब मैंने ड्रॉप डाउन वाली जो क्लास है उसी में अप्लाई किया है। मैं सिंपली ये सारा कॉपी करके जो हमारी ड्रॉप डाउन वाली क्लास है उसी में कर दूंगा। तो अभी यहाँ पर हमारा क्या हुआ है कि ठीक है, डॉट स्पैन में भी हमने फॉन्ट साइज चेंज नहीं करा, तो जो ड्रॉप डाउन था हमारा डॉट ड्रॉप डाउन, इसके बाद हमारा जो स्पैन है इसके अंदर, ड्रॉप डाउन के अंदर हमारा स्पैन है, तो इसके अंदर हमारा स्पैन, इसको फॉन्ट साइज हम देते हैं 55 पिक्सल्स। सो
रिफ्रेश एंड देन ये बड़ा हो गया बूम। उसके बाद हमें ये जो इनपुट फील्ड है और देन ये ड्रॉप डाउन है, हमें सब कुछ एक लाइन में चाहिए। तो एक लाइन करने के लिए हमारा जो ये डिव था, जो हमारा एक ब्लॉक था, इसको हमें एक क्लास देनी होगी और यहाँ पर कुछ CSS प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी होगी। तो इसको मैं क्लास दे देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको टॉप कंटेनर दे देता हूँ। हमारा कंटेनर है टॉप कंटेनर, तो टॉप कंटेनर पे सिंपली डिस्प्ले फ्लेक्स।